हे गाइस व्हाट्सअप, तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दीपक यादव साइंस एकेडमी। वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स ऑफ 9th of November 2020। तो आज है तारीख 9 नवंबर 2020। आज की तारीख से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करो और जाकर वो चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे आपको डेली इस लेक्चर की PDF के साथ डेली द हिंदू न्यूज़पेपर भी पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। नाउ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसा रेड कलर का नीचे बटन आ रहा होगा, डू सब्सक्राइब दी चैनल। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही हम लोग डेली करंट अफेयर्स और द हिंदू एनालिसिस लेकर आते रहते हैं अपने चैनल पर। नाउ बढ़ते हैं आगे। आपको अपनी स्क्रीन पर यह हमारा आर्टिकल नंबर 1 दिखाई दे रहा होगा। यह आर्टिकल पूला देश पांडे जी के बारे में है। अभी इनकी 101 बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ उससे पहले जान लेते हैं कि अगर आप लोग UPSC की तैयारी कर रहे हो तो ये आर्टिकल आपके लिए GS पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट होने वाला है। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो पूला देश पांडे जी हैं, अगर आप इनका पूरा नाम देखोगे तो इनका नाम है पुरुषोत्तम लक्ष्मण देश पांडे। तो इनकी 101, ठीक है, 101 बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई। और अगर आपने कल गूगल चलाया होगा, गूगल में कुछ चीज़ सर्च वगैरह करी होगी, तो आपको गूगल का जो डूडल सेट मिला होगा वो ये देखने को मिला होगा। गूगल के सर्च बॉक्स के ऊपर जब आप सर्च करते हो ना, उसके ऊपर ये जो एक डेली बेसिस पे जो है चेंज होता रहता है, एक कार्टून चेंज होता रहता है डेली बेसिस पे, तो आपको कल ये सेट करा हुआ दिखा होगा। तो यहाँ पे उसी के बारे में भी जिक्र कर दिया गया है। नाउ अगर हम लोग पूला देश पांडे जी के बारे में जाने तो क्या क्या यहाँ पे बातें करी गई हैं। तो जो ये पुरुषोत्तम लक्ष्मण देश पांडे जी हैं, आप इनका लाइफ टाइम देख सकते हो, 1919 से लेके 2000 तक यहाँ पर जो है इनका पूरा का पूरा लाइफ टाइम पीरियड था। इनको हम लोग इनके नेम से जाना जाते हैं, ये लोग ये जो नेम से जाना जाते हैं पूला से, ठीक है, इनिशियल नेम पूला देश पांडे, यानी कि पुरुषोत्तम लक्ष्मण देश पांडे। तो इस तरीके से इनका जो शुरू के नेम इस्तेमाल करा जाता है, तो इस तरीके से यहाँ पे काफ़ी फेमस हैं ये। ये आप कह सकते हो स्टेज एक्टर भी थे, स्क्रिप्ट राइटर थे, ऑथर थे, कंपोजर थे, म्यूजिशियन थे, हारमोनियम वगैरह भी प्ले करते थे, सिंगर भी थे, ओरेटर भी थे, ऑल इन वन ऑलराउंडर थे ये, ठीक है। आप देख सकते हो ये काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे परफॉर्म करते थे। इन्हें महाराष्ट्रास बिलव्ड पर्सनैलिटी भी बोला जाता है और इन्हें काफ़ी सारी अवार्ड्स भी मिले थे, ठीक है, काफ़ी सारे अवार्ड्स इन्होंने रिसीव करे, लाइक पद्म भूषण अवार्ड रिसीव करा 1990 में, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इन्होंने रिसीव करा 1967 में, एंड द लास्ट इज संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप भी यहाँ पर इन्होंने रिसीव करी थी 1979 में। दिस इज ऑल अबाउट दी पूला देश पांडे जी। ओके, नाउ कम टू दी नेक्स्ट आर्टिकल एंड द इंटरेस्टिंग वन। यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल, यहाँ पे इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। आप लोगों ने अगर कल न्यूज़ वगैरह देखा होगा, अगर आप लोग न्यूज़ कवर करते रहते हो, तो ये कल की न्यूज़ थी ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पर कल ये न्यूज़ में काफ़ी थे तो यहाँ पे डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। ये एक एक्टर हैं, बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत से यूथ आइकन को, ये यूथ आइकन गेम, ठीक है, तो एक्टर भी हैं, मॉडल हैं, फिटनेस इंडस्ट्री में काफ़ी इनका चर्चा वगैरह करी जाती है, फिटनेस इंडस्ट्री में भी बहुत नाम है इनका। तो इनका नाम क्या है, मिलिंद सोमान, ठीक है। अब मिलिंद सोमान नाम है इनके ऊपर, गोवा पुलिस ने FIR कर दिया, क्यों, क्योंकि क्या करा इन्होंने, एक काम ऐसा करा जिससे कि अनकंफर्टेबल फील हो सकता है पब्लिक में। ये बीच है गोवा के ऊपर, जो बीच है वहाँ पर दौड़ रहे थे विदाउट एनी क्लोज, बिल्कुल नंगे दौड़ रहे थे, तो ऐसी वहाँ पे पिक्चर वगैरह कैप्चर करी गई है और पिक्चर जो है वीडियो पिक्चर जो है वायरल है। आप लोग गूगल पे जाकर सर्च करोगे मिलिंद सोमान, अब सिर्फ इतना सर्च करोगे और जाके इमेजेस पे जाके क्लिक करोगे तो आपको ऊपर ही यहाँ पे नज़र आ जाएगा, क्योंकि अभी इस समय न्यूज़ में है, ठीक है। तो FIR इनके खिलाफ कर दी गई है क्योंकि ये न्यूड, बिल्कुल नंगे, विदाउट एनी क्लोज दौड़ रहे थे बीच के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर उसी वजह से यहाँ पे गोवा पुलिस ने FIR कर दिया है और केस कौन सा लगाया है, ऑब्सिनिटी का। ऑब्सिनिटी यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड आ जाता है हमारे लॉज में, ठीक है, समझ ही नहीं आता बहुत से लोगों को ऑब्सिनिटी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनकी डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा टफ हैं, लाइक टेररिज्म डेफिनेशन तो आप समझते पागल हो जाओगे, ऑब्सिनिटी भी ऐसा ही कुछ है। नाउ मैं आपको इसके सिंपल वर्ड्स बताऊंगा, बेसिकली ये ऑब्सिनिटी है क्या। देखो ऑब्सिनिटी का मतलब आप एक सिंपल और शुद्ध शब्द में याद रखो, ठीक है, क्या है ऑब्सिनिटी, उसके अगेंस्ट चार्ज करी जाती है जो कि अनोयंस हो टू दी पब्लिक, यानी कि दूसरों के लिए अनकंफर्टेबल काम कर रहा हो वो, ठीक है। कोई पर्सन है यहाँ पर, मान लो यही है मिलिंद सोमान,
ठीक है, जो अभी न्यूज़ में, ये बीच पर विदाउट एनी क्लोथ्स दौड़ रहे थे, तो बाकी लोगों को अनकंफर्टेबिलिटी हो सकती है। नाउ दिस इज कॉल्ड ऑप्शनिटी, यानी कि दूसरे को अनकंफर्टेबिलिटी हो, दूसरा सहमत ना हो उनके कार्य से, ठीक है, तो वो सब ऑप्शनिटी में आता है। तो यहाँ पे सिंपल वर्ड में आपको समझ में आ गया ऑप्शनिटी का मतलब। नाउ ऐसा केस हमने एक और देखा था जिसमें पूनम पांडे जी का नाम था, पूनम पांडे और उनके हस्बैंड दोनों के दोनों ने कॉन्ट्रोवर्शियल फोटोशूट करा, वीडियो करी जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई, देन इनके ऊपर भी ऑप्शनिटी का केस लगा था। ओके, नाउ यहां पर अगर हम देखें इंडियन लॉ क्या बोलता है ऑप्शनिटी के बारे में, तो सेक्शन 294 ऑफ द आईपीसी इंडियन पिनल कोड पनिश करता है ऑप्शीन एक्ट्स को, यानी ऑप्शीन एक्ट्स जो ऐसे एक्ट्स हो, ऐसी कार्य कर रहा हो कोई जो दूसरे को पसंद ना हो, दूसरे के लिए अनकंफर्टेबल हो, ठीक है, गलत हो, वो दूसरे को गलत तरीके से इंस्पायर कर रहा हो, ठीक है, क्योंकि वहां पर यही चीज अगर दूसरा सीख जाएगा तो वो गलत चीज है ना, तो ये ऑप्शन एक्ट्स के अंदर में आता है ये सब चीजें। तो सेक्शन 294 में ये सारी चीजें मेंशनड है इन दी इंडियन पिनल कोड। नाउ यहां पर देखने को मिलेगा आपको उसमें और क्या डिस्कस करा गया है, इसको एक कंसीडर करा गया एक क्राइम की तरह, ऑप्शन को एक क्राइम की तरह कंसीडर करा गया, हालांकि इतना बड़ा क्राइम नहीं कहा जाता है इसे, इसमें कुछ 3 महीने की कुछ सजा वगैरह होती है, ठीक है, ताकि सबक सिखा दिया जाए कि भाई अब तुम्हें आगे से ये काम नहीं करना है। तो ये जो ऑप्शनिटी है ये अनोयंस क्रिएट करती है टू दी अदर्स, दूसरे लोगों के लिए अनोयंस है, दूसरे लोगों के लिए ये एक परेशानी है, ओके, यानी दूसरा बंदा जो है वो कंफर्टेबल नहीं है इन सब चीजों को देखकर, दिस इज कॉल्ड ऑप्शन। ओके, नाउ यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा अंडर सेक्शन 67 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है उसमें जो सेक्शन 67 है वो भी यहां पर ये बोलता है कि जो भी पब्लिश करेगा कुछ ऑब्सीन मटेरियल, कुछ ऐसा मटेरियल पब्लिश करेगा जो कि पब्लिक के लिए सही नहीं है, तो फिर क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वो उसको भी वहां पे पनिश करा जाएगा। ओके, ठीक है, उसको भी यहां पे पनिश करा जा सकता है, सिंपल वर्ड्स, खत्म न्यूज। नाउ थर्ड आर्टिकल जो कि काफी ज्यादा ये भी न्यूज में है, ये मैंने कल के द हिंदू न्यूज पेपर एनालिसिस में डिस्कस किया था, अगर आपने देखा होगा तो आप लोग को पता होगा इसके बारे में। ओके, नाउ जो ये वाला आर्टिकल था, ये वाला आर्टिकल जो हमारा था, ये आप इस आर्टिकल को अपने जीएस पेपर 2 से रिलेट कर सकते हो, पॉलिटी से। ओके, नाउ कम ऑन टू दी थर्ड वन, यहाँ पर ये वाला आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो हुआ क्या है, पीएसएलवी C49EOS-01 अभी यहाँ पर इसरो ने एक सैटेलाइट लॉन्च करी है, कौन सी सैटेलाइट है, EOS-01, इसे क्या है, इंडिया की पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ये, इंडिया की पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इन इट्स 51st फ्लाइट पीएसएलवी C49 सक्सेसफुली इसके द्वारा आया, ठीक है, इसकी सीरीज है जो कि लॉन्च करी गई है, इन्होंने लॉन्च किया EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 1, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा ये EOS सैटेलाइट जो है इसका काम क्या है, अर्थ को ऑब्जर्व करना। तो ये इसरो ने जो है अभी भेज दिया है, सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया गया है। नाउ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कहाँ से लॉन्च करी गई है, सतीश धवन स्पेस सेंटर SDSC से लॉन्च करी गई है, कहाँ पर है वो, श्रीहरिकोटा में, 7 नवंबर 2020 के ये बात है। ओके, नाउ यहाँ पे आप लोगों को देखने को और चीज़ मिलेगी कि इस सैटेलाइट के साथ ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है इसका काम क्या है, ये अर्थ को ऑब्जर्व करेगी, ठीक है, कैसे ऑब्जर्व करेगी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट देगी। ओके, अगर आप लोग इसरो की वेबसाइट पे जाते हो तो आप लोगों को कुछ मैप्स वगैरह दिखाई देंगे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही डिटेलिंग मैप्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि इंडिया के लिए बनाए गए हैं, जिसमें आप जूम करके ना बहुत ही क्लियरली कहाँ कहाँ पर खेती बाड़ी, किस किस तरीके की खेती बाड़ी हो रही है, फॉरेस्ट्री में आप देख सकते हो, डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट देख सकते हो, रिन्यूएबल रिसोर्सेज देख सकते हो, वो सब मैप के अंदर आप क्लियरली देख सकते हो, इसरो ने बहुत अच्छा काम किया है वो। ओके, नाउ यहाँ पर जो अब हमने ये सैटेलाइट अपनी लॉन्च करी है, ठीक है, जिसका नाम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, तो इसको हमने लॉन्च करने के साथ साथ 9 और सैटेलाइट लॉन्च करी है, लेकिन ये हमारी नहीं है, ये है बाहर वाली कंट्रीज की, विदेशी कंट्री की है, क्यों, क्योंकि हमने उनके पास इतनी सुविधा नहीं है कि वो सैटेलाइट लॉन्च कर सकें, तो उन्होंने क्या करा, हमें पैसे दे दिए और हमने उनकी सैटेलाइट लॉन्च कर दी, हमने उनकी कंपनी की सैटेलाइट लॉन्च कर दी, ठीक है, सिंपल है, अपना ही फायदा है इसमें, तो ऐसा भी करता है इसरो। तो यहाँ पर अपनी के साथ साथ 9 और बाहरी विदेशी सैटेलाइट लॉन्च करी हैं इसरो ने, वो कौन कौन सी हैं यहाँ पर, सॉरी कौन कौन सी नहीं है, कहाँ से बिलोंग करती हैं, लिथुएनिया से यहाँ पर एक सैटेलाइट है, लग्जमबर्ग से 4 सैटेलाइट हैं, एंड USA की 4 सैटेलाइट हैं,
ये लॉन्च करी गई है अंडर अ कमर्शियल अरेंजमेंट विद द न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के अंडर में। देखो यहाँ पर तो यूएसए वगैरह में तो फैसिलिटीज है लॉन्च करने की, लेकिन कुछ छोटी मोटी कंपनीज होती हैं जो कि लॉन्च नहीं कर पाती हैं, तो उन्होंने क्या करा, इंडिया को पैसा दे दिया और इंडिया ने, इसरो ने लॉन्च कर दिया। ओके, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा फंडा था, साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मैंने आप लोगों को बता दिया। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल, सारनाथ के बारे में ये आर्टिकल है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया है काफ़ी सारे अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का वाराणसी में, ठीक है, इंक्लूडिंग सारनाथ लाइट एंड साउंड शो को यहाँ पर इसमें इंक्लूड करते हुए जो है काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह डेवलप करने की बात करी गई है। नाउ सारनाथ जो है ये एक प्लेस है, कहाँ पे लोकेटेड है, 10 किलोमीटर दूर है वाराणसी से, नॉर्थ ईस्ट रीजन में जाओगे तो, ओके, जो कि यहाँ पे डियर पार्क इन सारनाथ, यहाँ पे डियर पार्क भी है सारनाथ में, जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपनी पहली बार धर्म की जो टीचिंग्स है वो सारी की सारी पढ़ाई थी। ओके, नाउ ऑल्सो रेफर टू एट इस्पिताना, जो कि एक सिटी है जो कि मेंशन करी गई है बुद्धा के द्वारा, और वन ऑफ दी फोर प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज टू विच हिज डिवोट फॉलोवर्स टू शुड विजिट। यहाँ पे बुद्धा बोलते थे कि यहाँ पर ये जो सिपताना है एक जगह है, इसे इंक्लूड करा गया है 4 पिलग्रिमेजेस में, और बुद्धा बोलते थे कि भाई जो अपने फॉलोवर्स को बोलते थे कि जाकर वो इस जगह को जरूर घूमें, इस जगह को जाकर जरूर विजिट करना चाहिए हर एक उनके फॉलोवर को। ओके, इट वॉज ऑल्सो दी साइट, ये एक और ये ऐसी साइट थी जहाँ पे बुद्धा का धम्म चक्र प्रवर्तना सूत्र, विच वॉज हिज फर्स्ट टीचिंग आफ्टर अटेनिंग एनलाइटमेंट, ओके, जो इनकी फर्स्ट टीचिंग थी यहाँ पर उस साइट पर करी गई थी, ये भी याद रखना आप। नेक्स्ट जो है वहाँ पे एक ये जो आर्टिकल हमारा AIR से लिया गया है, ऑल इंडिया रेडियो से, कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है, तो GS पेपर हमारे 1 में आता है ये आर्टिकल। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे उसके जो हमारा जो जगह है वहाँ से थोड़ी सी दूर पे एक और विलेज लोकेट करता है सिंगापुर, एक विलेज है अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर दूर है इस साइट से, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर दूर है सिपतना से। तो फिर वहाँ पर जो है हमारे 11th तीर्थंकर जो जैनिज्म के, उनका बर्थ हुआ था, ठीक है, तो ये भी यहाँ पर याद रखना। नाउ आगे बढ़ते हैं, इंडिया और रशिया मिलकर काम कर रहे हैं एम सीरियस, सीरियस बोल दे रहा हूँ उसे, SIRIUS, एम सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0। इसमें क्या है, इसकी फुल फॉर्म देख लो, अटल इनोवेशन मिशन एंड सीरियस, ये रशिया और इंडिया मिलकर लॉन्च कर रहे हैं, और इसमें क्या होगा, जो स्कूल चिल्ड्रन है रशिया और इंडिया के, इनके बीच में जो है वर्चुअल प्रोग्राम क्रिएट करा जाएगा, कंडक्ट करा जाएगा। ये पहली बार है इंडो रशिया बायलेटरल यूथ इनोवेशन इनिशिएटिव, ठीक है, जिसका नाम मैंने अभी आपको बता ही दिया। इसमें क्या होगा, वेब एंड मोबाइल बेस्ड जो है काम करे जाएंगे, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस के ऊपर काम करे जाएंगे, यानी कि जो ये काम होगा यहाँ पर जो मीटिंग है उसमें टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो है ये आप कह सकते हो मीटिंग होगी, मीटिंग नहीं कह सकते, जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोग्राम कंडक्ट होने वाला है। ओके, ओवर अ 2 वीक प्रोग्राम, यहाँ पे 2 हफ्ते का प्रोग्राम होगा, 7 नवंबर से 21 नवंबर तक जो है ये प्रोग्राम चलेगा। 48 स्टूडेंट्स रहेंगे, 16 एजुकेटर रहेंगे और मेंटर्स रहेंगे, ये सब मिलकर 8 वर्चुअल प्रोडक्ट्स को बनाएंगे, मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप्स बनाएंगे, क्योंकि COVID-19 का टाइम चल रहा है, तो इनके रिगार्डिंग कैसे इन चैलेंजेस से हम लोग निपट सकते हैं, तो उनके ऊपर काम करेंगे, यानी टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम करने वाले हैं ये सब मिलकर। ओके, इस आर्टिकल को PIB से लिया है, साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, GS पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट लास्ट आर्टिकल है यहाँ पर, वन रैंक वन पेंशन के बारे में। देखो ये यहाँ पर मेन मकसद है, 5 साल पूरे हो चुके हैं वन रैंक वन पेंशन को लेकर, तो उसी के ऊपर बात करेगी। जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पर सैल्यूट करा सोल्जर्स को, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करा है हमारे नेशन को, ओके, हमारे जवान को सैल्यूट करा है क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करा है हमारे नेशन को। तो यहाँ पर एग्जैक्टली जो बात करी गई है वो इस प्रोग्राम के बारे में बात करी गई है, वन रैंक वन पेंशन, ठीक है, ये इसका मतलब यहाँ पे याद रखना, यानी एक रैंक के अंदर में जो ऊपर नीचे वाले, यानी कि एक रैंक के अंदर में मान लो ऑफिसर है जो कि बहुत पहले आप कह सकते हो बहुत पहले रिक्रूट करा गया था, और दूसरा ऑफिसर है जो कि बाद में रिक्रूट करा गया है, दोनों की पेंशन में जो डिफरेंस होता है ना उसको ख़त्म करके बहुत कम डिफरेंस होना, ठीक है, तो ये हमारा मकसद है वन रैंक वन पेंशन का। तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ये जो स्कीम है इसमें एक यूनिफॉर्म पेंशन, एक बराबर पेंशन मिलनी चाहिए डिफेंस पर्सनल को, ठीक है, जो कि रिटायर हुए हैं, बिल्कुल एक ही रैंक के, दोनों की एक लेंथ ऑफ सर्विस उन्होंने प्रोवाइड करी है, यानी कि जो पेंशन है उसके नीचे, उसके अंदर ऊपर नीचे ना हो, यानी किसी की ज़्यादा किसी की कम पेंशन ना हो, क्योंकि इसके भी थ्रू भी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है। ओके, नाउ इसी के साथ हुआ आज का हमारा पूरा ये इस वीडियो का एनालिसिस पूरी तरह से समाप्त। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत बोलना, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन रखो सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आप कोई वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर सको। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल, आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।